दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों की मसल तेजी से ग्रो हो पाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हो जिन गलतियों की वजह से आप अपनी मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाते हो। आप सभी ने देखा होगा जिसके भी जिम ट्रेनर होते हैं या जो भी लोग एक सर्टिफाइड ट्रेनर से अपने वर्कआउट शेड्यूल को बनवाते हैं, वर्कआउट ट्रेनिंग को बनवाते हैं, उनकी मसल्स ज्यादा तेजी से ग्रो होती है, और जो लोग ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं उनकी मसल्स ग्रो नहीं हो पाती है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिन गलतियों को आप जैसे ही सुधार लोगे आप देखोगे कि आपकी मसल्स तेजी से ग्रो होगी। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहली अपनी गलती पे आते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब भी सुबह सो के उठते हैं, आप लोग ने 7 घंटे की नींद ली, 8 घंटे की नींद ली, और आप लोग सुबह सो के उठे तो नाश्ते में आप लोग क्या खा रहे हो? आप लोग कुछ भी नॉर्मल सी चीज खा ले रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जब भी सुबह आप लोग सो के उठो तो आप लोग को हाई प्रोटीन वाला फूड लेना है। हमारी बॉडी 7 से 8 घंटे कुछ भी नहीं पाती है, हम लोग सोते रहते हैं, तो जब भी सुबह उठना है तो नाश्ते में आप लोग को हाई प्रोटीन का फूड लेना है, तभी आप लोग का प्रोटीन सिंथेसिस बैलेंस होके चलेगा और आपकी मसल्स ग्रोथ तेजी से होती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे नंबर की गलती की। देखो मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें बहुत स्लो मोशन में वर्कआउट करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन आज मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं ये आप जैसे ही करना शुरू करोगे आप देखोगे कि मसल्स पंप कितना ज्यादा मिलेगा आपको और आपकी मसल्स ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ जाएगी। क्या करना है, जब भी आप लोग वर्कआउट करना शुरू करें तो जो आप लोग अपना पहला सेट करें उस सेट में आप लोग को यह ध्यान रखना है कि पहले सेट का जो रिपीटेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्लो आप लोग को करना है। जैसे मान लो आप लोग बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से बाइसेप कर्ल को करना है, पहले सेट में केवल आप लोग को करना है। अगर 5 से 10 रिपीटेशन कर ले रहे हो इतना बहुत है। इससे होगा क्या, हमारा जो माइंड और मसल्स का कनेक्शन है वो बन जाएगा, उसके आगे जो हम लोग वर्कआउट करेंगे वो पूरी तरीके से सही से होगा और हमारी मसल्स ग्रोथ तेजी से होगी। इसी से जुड़ी हुई जो आप लोग तीसरी नंबर की सबसे बड़ी गलती करते हो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि हमारे शरीर में कुछ बड़ी मसल्स होती हैं और कुछ छोटी मसल्स होती हैं। जो बड़ी मसल्स होती हैं वो हमारी चेस्ट की मसल्स हो गई, हमारी पैरों की मसल्स हो गई, उसके साथ में हमारी बैक मसल्स हो गई, ये सारी बड़ी मसल्स होती हैं। और जो छोटी मसल्स होती हैं वो शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, बाइसेप हो गया, ये हमारी छोटी मसल्स होती हैं। तो जो बड़ी मसल्स हैं हमारी उनको हमें ज्यादा वजन के साथ में और कम रिपीटेशन वाले वर्कआउट के साथ में ट्रेन करना चाहिए, और जो हमारी छोटी मसल्स होती हैं जैसे हमारा बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, शोल्डर हो गया, इन्हें हमें कम वजन के साथ में वर्कआउट करना चाहिए और रिपीटेशन ज्यादा रखने चाहिए, कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन रखना चाहिए जो हम लोग छोटी मसल्स को ट्रेन करें। और जब हम लोग बड़ी मसल्स को ट्रेन करें तो वजन ज्यादा उठाना चाहिए और रिपीटेशन हम लोगों को 6 से 12 के बीच में ही रखना चाहिए, तो ही मसल तेजी से ग्रो होगी। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की। देखो आप लोग को यह बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप लोग को मसल्स ग्रोथ करनी है तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि लेग्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। लेग्स वर्कआउट जब भी हम करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी तेजी से बढ़ जाता है और हमारी टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से पूरी ओवरऑल बॉडी की मसल्स ग्रोथ होती है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही में अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप लोग वाओ लाइफ साइंस का टेस्टो बूस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को मुकुना प्यूरेंस मिलता है, उसी के साथ में अश्वगंधा मिलता है, साथ में आप लोगों को सतावरी एक्सट्रैक्ट मिलते हैं जो करता क्या है, आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, जिस वजह से आप लोगों की मसल्स ग्रोथ तेजी से होने लगती है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा थकान लगती रहती है, बहुत ज्यादा फटीग रहते हो आप लोग, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे तो आप लोग के शरीर से थकान दूर हो जाएगी और बहुत ज्यादा आप लोग एनर्जेटिक फील करोगे। उसी के साथ में मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर हमारी बोन्स की डेंसिटी कम होगी तो इस वजह से हम ज्यादा मसल्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग अपनी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी वाओ लाइफ साइंस के टेस्टो बूस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बोन्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो मसल्स ग्रोथ भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी, और आप लोग अपने स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो
वर्कआउट हम लोग जिम में करते हैं या घर में करते हैं तो इसमें हमारी बहुत ज्यादा ताकत लगती है, बहुत स्टैमिना की जरूरत होती है, तो उस स्टैमिना को मेंटेन करना जरूरी होता है जिससे आप अपनी मसल्स ग्रोथ को और ज्यादा एनहांस कर पाओ। इसका रोज एक कैप्सूल आप लोग ले सकते हो 30 मिनट पहले, खाना खाने से 30 मिनट पहले आप लोग रोज इसका एक कैप्सूल ले सकते हो और कुछ दिनों में ही आप लोग को अपनी बॉडी में अच्छा खासा फर्क दिखने लगेगा। वाओ लाइफ साइंस के टेस्टो बूस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वाओ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट लेने पे आप लोग को प्लांट सीड्स मिलते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं जो आप लोग को एक पाउच में मिलता है, ये आप लोग अपने घर में किसी भी प्लांट में लगा सकते हो, गमले में लगा सकते हो, घर के बाहर भी आप लोग इसे लगा सकते हो। और जो वाओ की हैशटैग वाओ ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव चल रही है इसमें आप लोग पार्ट ले सकते हो, सो ज्वाइन द इनिशिएटिव नाउ एंड बी वाओ नेचुरली। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो अगर आप लोग अपनी मसल्स ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे वर्कआउट से ज्यादा हमारी डाइट का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है कि आपने डाइट भी अपनी अच्छी रखी हुई है लेकिन आपका डाइजेशन ही खराब है। इस बात को समझो, हम लोग चाहे जितनी अच्छी अच्छी चीजें खा लेंगे अगर वो हमारे शरीर में पचेंगी नहीं, हमारे शरीर में लगेंगी नहीं, तो उसका हमारे शरीर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे जरूरी काम आपको ये करना है कि आपको अपने डाइजेशन को इंप्रूव करना है। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो जो आप लोग प्रोटीन खाओगे वो प्रोटीन पचेगा, तभी आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, और जो आप लोग ने वर्कआउट करके मसल्स को तोड़ा है तभी आपकी वो मसल्स बड़ी बन पाएगी। तो इसके लिए डाइजेशन को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। तो कैसे डाइजेशन को हम अपने इंप्रूव कर सकते हैं, स्क्रीन पे देखो इस समय आप लोगों को एक वीडियो दिख रहा होगा, इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि डाइजेशन को अपने कैसे इंप्रूव करें, तो इस वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए।